मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है, आइए आज के वचन मनन के लिए हम नीति वचन 14:4 पढ़ें। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि हमारे जीवन में हमें कितने अनुशासन से अपने जीवन को बिताना है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन होना अति आवश्यक है, और हम सब जानते हैं परमेश्वर ने किस प्रकार इसराइल की प्रजा को अपना व्यवस्था दिया था ताकि मनुष्य अपने जीवन में हर बात में अनुशासन रखे, क्रम रखे। लेकिन अभी इधर एक बात को हमने ध्यान देना, हमने अनुशासन अपने जीवन में रखना जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जिम्मेवारियों को, अपने कर्तव्यों को त्याग दें। इधर जो वचन हमने पढ़ा है, ये वचन हमारे सामने एक चित्र दिखाता है, एक स्वच्छ गौशाला जो बिल्कुल साफ सुथरा है, दूसरों के सामने वो अच्छा दिखता है। घमंड का कारण भी है, उससे हमें क्या मालूम चलता है कि आप अपने जीवन में बिल्कुल क्रम अनुसार अनुशासन के साथ सब चीज करना चाहते हैं। लेकिन इधर एक बात को ध्यान देना है, घर तो बिल्कुल साफ सुथरा है लेकिन अनाज का भंडार खाली है। जहां बैल है वो जरूर वो जगह को गंदा करेगा, और आपका मन भी ऐसा होना है कि उस गंद को आपको सहना है। हर कठिन मेहनत में आप देख सकते हैं पसीने का बदबू होता है। अगर आप इस बदबू से बचना चाहते हैं तो आपको गरीबी में, कंगालीपन में जीवन बिताना पड़ेगा अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते। पुराने दिनों में हम सब जानते हैं लोग अपने घर में बैल रखते थे क्योंकि खेत का सारा काम बैल ही करता था, और ये बैल ताकत का निशानी है। जिसके पास बैल होते थे वो धनवान था क्योंकि वो कठिन मेहनत करता था जिससे उसके खेत में उपज निकलती थी। लेकिन ऐसे समय में उसके घर में ये बैल गंद तो मचाते थे। जब दूसरों का घर साफ सुथरा है, ये व्यक्ति के घर में अनाज की बहुतायत भी थी क्योंकि वो खुशी से गंद को सह लेता था। यही सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। एक छोटे परिवार को जरा देखें, एक परिवार की खुशी उसके बच्चों में है, लेकिन हम जानते हैं ना बच्चे जो घर में गदर मचाते हैं, उधम मचाते हैं, लेकिन वो बच्चों की खुशी घर के माहौल को बदलती है। कई लोग ये उधम नहीं चाहते, ये बच्चों की परेशानी को भुगतना नहीं चाहते, इसलिए वो फिर फैसला कर लेते हैं कि हमें बच्चे नहीं चाहिए। और यही कारण कई बार पति पत्नी में झगड़ा खड़ा हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं। इसलिए परिवार शुरू करने के पहले दोनों व्यक्तियों को बैठकर सोचना है, क्या हमारे परिवार में जो इससे फेरबदल आएगा, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या बच्चों की खुशी को दोनों इकट्ठा मनाना चाहते हैं? बच्चे परमेश्वर का दिया दान है और हमारी बुजुर्गी के लिए बल है। कई लोग अपने जीवन में इतने सख्त अनुशासनिक होते हैं कि वो घर में थोड़ा सा भी इधर उधर बातों को बिगड़ने देंगे ही नहीं। हर बात के लिए क्रम चाहिए, और यहां तक आपस का संबंध भी इसके कारण टूट जाता है। दोस्त और रिश्तेदार भी दूर रहना चाहते क्योंकि वो संबंध को तोड़ना नहीं चाहते। बेशक जीवन में थोड़ा ज्यादा ही अनुशासन हो, लेकिन ये इससे दूसरों को लाभ नहीं है। ध्यान रखें, इसके कारण दूसरों के साथ जो हमारी आशीषों को बांटना है वो भी हम बंद कर देते हैं। परमेश्वर ने हमें घर दिया है, हमें आशीष दिए ताकि हम दूसरों के साथ उसे बांटे, दूसरों का खुशी का कारण भी बने। घर में क्रम नहीं है तो भी
एक छोटे दिल से अच्छा तो वही है। इसका मतलब ये नहीं, जरा ध्यान से आप इस बात को समझिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में क्रम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपने घर को साफ नहीं रखना है। रुककर इस बात को ध्यान दें, क्योंकि कई लोग इस बात का गलत मतलब निकालें। ये नहीं है कि हमारे घर में अनुशासन ना हो, ये सब चाहिए, लेकिन हर एक के लिए एक एक लकीर है। जो भी अनुशासन, जो भी नियम हमारे जीवन में है, जो भी हमारे जीवन का ढंग है, ये दूसरों की खुशी को ना रोके। परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें सिखाता है कि हम दूसरों को नीचा कर ना देखें। उदाहरण, आप गांव में जरा चले जाएं, लोगों के, किसानों के छोटे छोटे घर होते हैं, वो उनका घर इतने, जैसे शहर में रहने वाले लोगों की तरह इतना साफ सुथरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कठिन मेहनत करने वाले लोग हैं। वो हमारी तरह अपना घर को साफ सुथरा नहीं रख सकते, क्योंकि उतना मेहनत वो करते हैं, और हम उनके मेहनत का फल हम खाते हैं, क्योंकि हमारे मेज पर जो रोटी आती है उनके मेहनत के कारण है। वो सीधे साधे लोग हैं, मेहनत कर हम लोग का पेट पालते हैं। सो आइए हम उनको आदर करें, उनके कठिन मेहनत के कारण। ध्यान रखें कि एक साफ सुथरा गौशाला जो है वो स्वच्छ रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर भंडार में कोई दाना नहीं है तो फिर उस स्वच्छ गौशाले का मतलब क्या है? हमारे आत्मिक जीवन से भी यही मतलब है। अगर हमारा आत्मिक जीवन आशीषित होना है तो कठिन मेहनत करना है। अगर हम कोई मेहनत करना नहीं चाहते, आराम से रहना चाहते, तो आत्मिक तौर पर भी कंगाल रहेंगे। हम जितना मेहनत करते हैं, जितनी चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं, उसकी आशीष भी है। आइए हम प्रभु की ओर ताकें, प्रभु को देखें, ताकि हमें हर चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभु हमें बलवंत करें, ताकि हमारा जीवन आशीषमय हो, फलवंत हो। प्रभु हम सबको ऐसा एक मन दे, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में मेहनत करें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। इन दिनों में प्रभु हमारे जीवन में अनुशासन, क्रम, हर बात को बराबर से प्रभु संतुलित तौर पर ध्यान के साथ ये सब चीजों को करने के लिए हमें मदद करें, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। कठिन मेहनत करने का मन आप हमें दें, ताकि हमारे द्वारा और लोग आपकी महिमा को देख सकें। सब महिमा आप ही को देते, बल, ज्ञान और समझ हमें आज के दिन के लिए दे प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारा ना था।